जमशेदपुर पूर्वी विधानसभा क्षेत्र के बारीडीह सामुदायिक भवन में 73वां वन महोत्सव मनाया गया, जिसमें बतौर मुख्य अतिथि विधायक सरयू राय ने शिरकत की। कार्यक्रम का संचालन करते हुए जमशेदपुर प्रमंडल की डीएफओ ममता प्रियदर्शी ने शहरवासियों को वन महोत्सव की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि इस साल मॉनसून सत्र में जमशेदपुर वन प्रमंडल ने 45,36,219 पौधे लगाने का निर्णय लिया है, ताकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का साल 2027 तक जीरो कार्बन उत्सर्जक देश बनाने का सपना साकार हो सके। डीएफओ ने बताया कि इसके लिए अलग अलग स्रोतों पर काम किया जा रहा है। शहर के जलाशय एवं जल स्रोतों की साफ सफाई कराने की भी तैयारी शुरू कर दी गई है, साथ ही जाहिर थान के सौंदर्यीकरण का भी लक्ष्य निर्धारित किया गया है। उन्होंने बताया कि इन सब उपायों को अपनाकर प्रधानमंत्री का सपना साकार किया जा सकता है और प्रकृति को संरक्षित किया जा सकता है। वहीं बतौर मुख्य अतिथि कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंचे विधायक सरयू राय ने शहर के बीचों बीच वन महोत्सव आयोजित करने के लिए वन विभाग की सराहना की। वहीं इस दौरान विधायक कार्यालय के समक्ष पौधारोपण भी किया गया। औद्योगिक शहर के भीतर में वन महोत्सव का कार्य हुआ है, 100 से अधिक पेड़ लगाए गए हैं और एक संगोष्ठी के माध्यम से लोगों के दिमाग में यह बात डाली गई है कि एक दिन केवल एक पेड़ लगा देना ही पर्याप्त नहीं है, केवल उसकी रक्षा करना ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि अपने मन के भीतर संस्कार पैदा करना होगा कि हमारे शहर का विकास जिस तरह से हो रहा है और जिस तरह से वृक्ष पेड़ नष्ट हो रहे हैं, उनको रोक कर विकास की एक वैकल्पिक योजना बनाई जाए, विकास की वैकल्पिक अवधारणा बनाई जाए और पुराने पेड़ों को काटने से परहेज किया जाए। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि वन महोत्सव एक ऐसा महोत्सव है जिसमें हम अधिक से अधिक पेड़ लगाते हैं। इस वर्ष जमशेदपुर वन प्रमंडल का लक्ष्य है कि 45,36,219 पौधों का रोपण किया जाएगा, जो कि अभी जुलाई और अगस्त के महीने में ही पूर्ण कर लिया जाएगा। ये इतने बड़े लक्ष्य में वृक्षारोपण करने का हमारा उद्देश्य है कि हम एक कार्बन सिंक डेवलप कर सके, जिससे कि जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने आगाज़ किया है कि 2070 में हमें कार्बन न्यूट्रल करना है या कार्बन ज़ीरो करना है, उसकी तरफ ये जमशेदपुर वन प्रमंडल का एक पहल होगा, जिसमें हम ये कोशिश करेंगे कि अधिक से अधिक पौधे जीवित रह सकें। न्यूज़ विंग के लिए जमशेदपुर से गंगाधर पांडे की रिपोर्ट।